हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल और आपके अपने वर्ल्ड टच चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको स्टुको से मार्बल फिनिश डिजाइन बनाकर दिखाने वाला हूँ और स्टुको मॉडल फ्रेंड्स आपको आपके नियरेस्ट एशियन पेंट शॉप पे मिल जाएगा। और हाँ फ्रेंड्स, स्टुको की पैकिंग इस तरह की आती है। ये स्टुको मार्बल फिनिश की पैकिंग, स्टुको मटेरियल की पैकिंग है और ये आपको 1 किलो या और 4 किलो की पैकिंग में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने पहले मैं ये कहूंगा आप मेरी इस वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत खास है। इसी के साथ फ्रेंड्स, मैं ये भी कहूंगा अगर आप मेरे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, स्टुको डिजाइन वॉल पे बहुत स्मूथ फिनिश देता है और इसमें एक बहुत ही अच्छी शाइन भी होती है और बनने के बाद ये एंटी लुक भी देता है। और स्टुको हम स्टील ट्रावल, आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, स्टील ट्रावल और स्क्रैपर है और इस टूल से हम स्टुको यूज करते हैं और स्टुको का डिजाइन बनाते हैं। और फ्रेंड्स, इसमें एक चीज आपको और ध्यान देना है, ये ट्रावल है तो ये क्या है, बहुत ज्यादा शार्प होता है। साइड इसकी दोनों जो एजेस है बहुत ज्यादा शार्प होती है। आपको एक गीला कपड़ा रखना है अपने पास, इस तरह का गीला कपड़ा रखना है और इसको जैसे साफ करना हो तो इसको इस तरह से साफ करेंगे, इस तरह से करके, क्योंकि ये इतना ज्यादा शार्प हो जाता है काम करते करते ये दोनों एजेस शार्प हो जाती है। इससे क्या होगा, अगर आप फिंगर से इसको इस तरह से साफ करोगे तो आपके हाथों में कट लग जाएगा और ब्लडिंग होगी, इसलिए ध्यान देना फ्रेंड्स, सेफ्टी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको डिजाइन बना के दिखाता हूँ कि बनाते कैसे। फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाता हूँ स्टुको का पेस्ट किस तरह का होता है। ये स्टुको का डब्बा है, इसमें आप देख रहे हैं पेस्ट, ये पेस्ट भरा हुआ आपको दिख रहा होगा। मैं डब्बे को पूरा उल्टा कर दिया फिर भी नहीं गिर रहा है। ये बहुत ही अच्छा पेस्ट होता है, मैं स्क्रैपर से निकाल के दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा पेस्ट है ये। तो ये इसी तरह का पेस्ट होता है। अब फर्स्ट कोट वॉल पे लगाना है हमें, जिस तरह से हम वॉल पुट्टी करते हैं उसी तरह से फर्स्ट कोट हमें वॉल पे करना है। फर्स्ट कोट हमें वॉल पे इस तरह से करना है। फ्रेंड्स, स्टुको का फर्स्ट कोट मैंने कर दिया है, अभी अच्छे से सूख जाएगा तो हम इस पे आगे का वर्क करेंगे। दोस्तों, स्टुको का फर्स्ट कोट हो गया और ये अच्छे से सूख भी गया है। अब इस पे हम 320 नंबर से सैंडिंग करेंगे। ये 320 नंबर सैंड पेपर है, इससे हम सैंडिंग करेंगे। तो मैं आपको एक बार सैंडिंग करके बताता हूँ कि सैंडिंग किस तरह से करनी है। इस पे सैंडिंग हमें इस तरह से करना है कि जो ट्रावल के निशान है या जो कहीं एक्स्ट्रा थोड़ा सा ऊंचा नीचा है वो हट जाए, थोड़ा इक्वल हो जाए। इस हिसाब से हमें इसकी सैंडिंग करनी है, इसको पूरा साफ नहीं करना। सैंडिंग करने के बाद एक सूखे कपड़े से इसे इस तरह से साफ कर देंगे। एक कॉटन के कपड़ा ले लेंगे और सूखा होना चाहिए, गीला नहीं करना, सूखे कपड़े से इस तरह से। सैंडिंग करने से क्या होता है, इस पर डस्ट आ जाती है, वो डस्ट साफ हो जाएगी अच्छे से। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूं कि रिगमाल लग गया है। रिगमाल लगने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ डिजाइन किस तरह से बनाना है। डिजाइन का नाम है स्टुको मार्बल फिनिश। स्क्रैपर में इस तरह से मटेरियल लेना है
और स्क्रैपर से फिर इस तरह से ट्रायल में ले लेना मटेरियल। फिर ट्रायल को क्या करना है, छोटे छोटे कट मारने हैं। और एक कपड़ा ले लेना है अपने ट्रैवल को, इस तरह से साफ करते हुए चलना है। ट्रैवल में मटेरियल इस तरह से लेना है कि ज्यादा एरिया में मटेरियल ना आए, थोड़े से एरिया में मटेरियल लेके चलना है बस। क्या करना है, मटेरियल हमने साइड साइड में लगा दिया, अब इसकी छोटी छोटी कटिंग लेके अपने को इस तरह से चलना है। इस तरह से छोटी छोटी कटिंग करनी है। ये कटिंग ही इसमें सबसे ज्यादा मेन है, इस कटिंग में सबसे ज्यादा ध्यान देना है। अगर कटिंग करनी आ गई तो डिजाइन निकल जाएगा। और आप देख रहे हैं मैं गीले कपड़े से इसको बीच बीच साफ भी कर रहा हूँ। साफ करना ट्रावल का बहुत जरूरी है, अगर साफ नहीं करेंगे तो डिजाइन सही से नहीं आएगा। एक बार मटेरियल कुछ एरिया में मटेरियल लगाने के बाद, जहां मटेरियल लगाया हमने उसको हल्का सा इस तरह से इवन कर देंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल इसमें निकला हो वो सब बराबर हो जाएगा। इस तरह से मटेरियल लगाने के बाद इसको फिर से इवन कर देंगे, जो भी हल्का फुल्का मटेरियल से उठा रहेगा ऊपर की तरफ वो बराबर हो जाएगा। अब थोड़ा सा वेट करेंगे, हल्का सा ड्राई हो जाएगा तो फिर हम इस पे ये ट्रावल है, इसी ट्रावल से हम इस पे बफिंग कर देंगे। बफिंग करने का तरीका इस तरीके से है, मैं आपको बता देता हूँ। मैंने ट्रावल को अच्छे से साफ कर लिया कपड़े से साफ करने के बाद अच्छे से इसकी पहले हल्के हाथ से इस तरह से बफिंग करेंगे। हल्के हाथ से पहले इसलिए करेंगे कि अभी ये ज्यादा गीला है और इस पे हम ज्यादा प्रेशर से अगर बफिंग करेंगे तो ये पपड़ी बन के बाहर निकल जाएगा। इसलिए अभी इस टाइम इसको हल्के हाथ से इस तरह से इसको बफिंग करनी है। हल्के हाथ से करते जाएंगे तो इसमें धीरे धीरे इसकी चमक बढ़ती जाएगी।
इसकी चमक बढ़ेगी धीरे धीरे, और जो इसका जो कट है डिजाइन का नाम मार्बल फिनिश है, और जो इसकी क्वालिटी मार्बल फिनिश की वो उभर कर बाहर आएगी बफिंग करते करते। आप मेरा बफिंग करने का तरीका देखो, बफिंग इस तरह से करना है, ट्रावल को पूरा वॉल पे ट्रावल का पूरा इस तरह से नहीं बिछाना, ट्रावल का ये वाला हिस्सा एकदम ये धार वाला हिस्सा नहीं करना, ये ट्रावल है, ट्रावल का ये जो किनारे वाला हिस्सा है थोड़ा सा ये हल्का सा कर्व है, हल्का सा गोल है, तो ये जो गोल वाले हिस्से को ना थोड़ा सा इस तरह से करके फिर हमें इस पे इस तरह से चलाना है हल्के हाथ से, बहुत हल्के हाथ से, क्योंकि अभी गीला है और ज्यादा गीला है, अभी अगर इस पे ज्यादा प्रेस करके हमने किया तो क्या होगा, ये निकल जाएगा बीच बीच में, कहीं कहीं निकल जाएगा और वो अच्छा नहीं लगेगा। अब ये सूख रहा है, आपको अब ये सूखने लगा धीरे धीरे और ये कटिंग आपको नजर आने लगी होगी, इस एरिया में कटिंग नजर आ रही है मार्बल फिनिश की, जो भी कटिंग होनी चाहिए थोड़ी थोड़ी इधर भी नजर आ रही है, अब हल्का हल्का इसको जो बफिंग का जो प्रेशर है, अब इसका प्रेशर हल्का हल्का बढ़ाएंगे, हल्का हल्का बढ़ाएंगे और जैसे जैसे सूखता जाएगा वैसे वैसे इसका प्रेशर बढ़ाते चलेंगे। ट्रावल को पकड़ने का तरीका ये है, इस तरह से पकड़ेंगे और इसका ये जो कर वाला हिस्सा है, ये जो कर वाला पार्ट है, इसको बॉल पे इस तरह से करेंगे और हल्के हाथ से, स्टार्टिंग में हल्के हाथ से करना है, फिर बाद में धीरे धीरे प्रेशर इसका बढ़ाते जाना है अपने हाथ का, अपने हाथ से ये ट्रावल का प्रेशर बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे। अभी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि ये ज्यादा गीला है, कम से कम 5 मिनट रुकते हैं, 5 मिनट रुकने के बाद फिर इस पे मैं बफिंग करता हूँ दोस्तों। अब ये 5 मिनट हो गया और ये थोड़ा और ड्राई हो गया है, अब हम इस पे अच्छे से बफिंग कर सकते हैं, अपने हाथ से इस ट्रावल प्रेशर अच्छे से डाल सकते हैं। आप देख रहे हैं मैं किस तरह से कर रहा हूँ, इस तरीके से बफिंग करनी है। स्टुको में सबसे ज्यादा मेहनत का काम ये बफिंग का होता है, बफिंग का काम सबसे ज्यादा मेहनत का होता है। मैं क्या करता हूँ, ये मास्किंग टेप लगा रखा है साइड में, मास्किंग टेप निकाल देता हूँ, नहीं तो जब सूख जाएगा स्टुको अपना सूख जाएगा तब मास्किंग टेप बाद में निकालूंगा तो स्टुको का ये पैटर्न भी खराब हो सकता है। कभी मास्किंग टेप निकाले कहीं भी तो थोड़ा सा एक बार स्लोली स्लोली निकालें।
मास्किंग टेप निकालने का टेक्निक ये है, अगर आपने कहीं भी मास्किंग टेप लगा रखा है तो उस मास्किंग टेप काम होने के बाद जब मास्किंग टेप निकालनी हो तो बहुत स्लोली स्लोली अगर आप धीरे धीरे मास्किंग टेप निकालते हैं तो आपका काम खराब नहीं होगा। आप देख रहे हैं मैं कितना धीरे धीरे से निकाल रहा हूं, बहुत स्लोली मास्किंग टेप निकाल रहा हूं। मास्किंग टेप निकल गया, अब हम इस पे बफिंग कर सकते हैं आसान से। और बफिंग करते वक्त हमें यह भी ध्यान देना है, जैसे हम इसे बफिंग कर रहे हैं कई बार ये जो ट्रावल है, ट्रावल का ये दोनों कॉर्नर हिस्सा कहीं गलती से वॉल पे ना लगे। गलती से भी अगर ये इस ट्रावल का ये दोनों कोना हिस्सा कहीं लग गया तो उस जगह से मटेरियल निकल जाएगा और डिजाइन फिर खराब हो जाएगा, इसलिए बफिंग करो बहुत सावधानी से और बहुत सलीके के साथ बफिंग करेंगे तो अच्छा रहेगा, आपका काम भी अच्छा रहेगा। कोई भी काम हड़बड़ाहट में नहीं करना, कोई भी काम जल्दबाजी में मत करना, क्योंकि जल्दबाजी का काम एकदम खराब होता है। फ्रेंड्स मैंने इसे बफिंग कर दी अच्छे से और ये कंप्लीट हो गया है। इसकी चमक अभी आपको नजर नहीं आ रही होगी क्योंकि इसकी चमक कैमरे में नहीं दिख रही है, तो जो चमक दिखनी चाहिए वो कैमरे में नहीं दिख रही है, इसकी चमक थोड़ी सी हल्का सा तिरछे होकर दिखती है वॉल पे। जैसे कि मैं इधर खड़ा हूँ ऐसे तिरछा करके इस पोज में आके मैं अगर देखता हूँ तो उसकी चमक विजिबल होती है। और हाँ फ्रेंड्स एक चीज, और मैंने आपको बोला था गीले गीले में बफिंग नहीं करनी, इस जगह मटेरियल थोड़ा सा ज्यादा गीला था और मैंने बफिंग कर दी, तो आप देख सकते हैं इस जगह पे थोड़ा सा मटेरियल निकल गया है क्योंकि मैंने गीले गीले पे बफिंग कर दी थी, ये चीज आपको ध्यान देनी है फ्रेंड्स। और हाँ एक चीज और है, अगर आपको और भी ज्यादा चमक चाहिए तो ये बहुत अच्छे से सूख जाएगा, तब इसके ऊपर आपको क्या करना है, ये सूती कपड़ा लेना है, ऐसा कॉटन का कपड़ा लेना है और कॉटन का कपड़ा का इस तरह से तकिया टाइप का कुछ बना के फिर इस पे इस तरह से रगड़ना है, मगर अभी नहीं रगड़ना, ये अभी भी गीला है हल्का सा और इसको कम से कम एक दिन का टाइम देना है, एक दिन का टाइम देंगे तो ये अच्छे से सूख जाएगा, जब अच्छे से सूख जाएगा फिर इस तरह का एक तकिया बनाएंगे कपड़े का तकिया बना के इसको अच्छे से दबा के
फिर इसको बफिंग करनी है इस तरह से करके। अभी मैं इस पर दबा के बफिंग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर दबा के बफिंग करूंगा तो इसकी चमक गायब हो जाएगी, क्योंकि अभी हल्का हल्का गीला है। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स हमें मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर, बाय बाय।